जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और माफी चाहूंगी आप सभी का समय ले रही हूँ। लग रहा था कि हाथरस के अंदर एक अन्याय हुआ है, उसके बाद न्याय होगा, लेकिन नहीं, अन्याय के बाद और अन्याय और अन्याय और अन्याय हो रहा है। अब यहाँ तक हो गया कि सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए हाथरस की पीड़िता जो दम तोड़ चुकी है, हमारे बीच में नहीं है, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। उसका चरित्र हनन जो दम तोड़ चुकी है ही नहीं हमारे बीच में। डाइंग स्टेटमेंट बच्ची ने दिया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। सिर्फ हमारे पास अब उसकी वो आवाज और वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह गई है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। आपने सुना, हमने सुना, परिवार ने उसका डाइंग स्टेटमेंट सुना। अब नार्को टेस्ट किसका करेंगे? बच्ची ने तो दम तोड़ दिया अपना बयान देखकर। अब आपका, मेरा, परिवार का नार्को टेस्ट होगा, हम बताएंगे सच है झूठ है। बेटी ने कहा बलात्कार हुआ है, कहा जा रहा है कि फोरेंसिक में बलात्कार नहीं आया। मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूं जिसपे ये पीड़िता से उसका न्याय का अधिकार छीन रहे हैं। कहा जा रहा है कि फोरेंसिक में बलात्कार नहीं आया। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि कोई भी मेडिकल जांच के परिणाम 96 घंटों के बीच में अगर जांच हो तो आते हैं, अगर समय 96 घंटे से ऊपर हो जाए तो उसके परिणाम आना बेहद मुश्किल होता है। इस केस में भी यही हुआ, बच्ची का जो मेडिकल था वो सैंपल 11 दिन के बाद लिए गए। 11 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा है साफ कि मेडिकल जांच में, क्योंकि सैंपल 11 दिन के बाद मिले इसलिए नहीं आएगा, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बलात्कार नहीं हुआ है और बेटी का स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, संदीप, अब उसका चरित्र हरण बेटी का कैसे किया जा रहा है? बेटी ने कहा था 14 तारीख को बलात्कार के बाद कि संदीप ने उसके साथ ये हरकत की है। अब ये संदीप चरित्र हनन देखिए, संदीप उसका भाई भी है, ये कब पता लग रहा है इनको? 14 को, 15, 16, 17, 18, 30 तारीख तक जब बेटी ने दम तोड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार 2:30 बजे तक आप फूंक रहे हैं उसे पेट्रोल डालकर, तब तक आपको भी ये नहीं पता था कि पीड़िता ने जो संदीप कहा है वो उसका सगा भाई है, और आपने किसको गिरफ्तार करके जेल भेजा? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि पीड़िता कौन से संदीप की बात कर रही है, इसलिए आपने भी उसी संदीप को पकड़ के जेल भेज दिया। और आज आज किसी तरह बेटी का चरित्र हनन करने के लिए कभी लव एंगल, कभी संदीप जिसने बलात्कार किया वो आरोपी संदीप नहीं जो जेल में, ये आरोपी है उसका सगा भाई है। आप देखिए भाई के ऊपर आरोप लगे जा रहे कि बेटी ने जिस पे बलात्कार का संदीप पर आरोप लगा उसका भाई है। कितना नीचे गिरेंगे आप, कितना नीचे गिरेंगे आप, शर्म आनी चाहिए, डूब मरिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।